हम अपने उस शानदार बॉक्स को उठाते हैं आगे और लेकर चलते हैं उस आंकड़े की तरफ जिसका इंतजार हमारे दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। किसका होगा राज तिलक? पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, महाराष्ट्र के लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस क्या एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होंगे या फिर स्थिति इस बार बदल जाएगी। तो बिना देर किए अब वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल आइए, अब आपको आंकड़ा हम बता देते हैं कि इस वक्त बीजेपी शिवसेना हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जो नंबर इन्हें मिल रहा है वो है 166 से 194 सीटों का। ये एक ब्रैकेट है जिसके तहत बीजेपी शिवसेना ने नंबर हासिल किए हैं। तो चित्रा, यहाँ पर तस्वीर साफ बहुमत की तरफ इशारा कर रही है, 145 जो कि बहुमत का फिगर है। और मैजिकल फिगर देखिए आपको यहाँ पर इस बॉक्स में भी इस वक्त नजर आना शुरू हो गया है, 166 से लेकर 194, ये वो ब्रैकेट है जिसके बीच में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सीटें हासिल कर सकता है। और महत्वपूर्ण ये है 166 से 194 का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं मीनाक्षी के हाथ में, आपको बताते चले कि दरअसल अगर इसका औसत आप निकाले तो 288 में से 188 इसका औसत निकलता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियों के 2014 के रिजल्ट की हम बात करें, 185 सीटें दोनों पार्टियों ने एक साथ अगर दोनों को जोड़ दें, हालांकि चुनाव अलग अलग लड़ा था, दोनों को जोड़ने के बाद आपको बता दें कि 185 सीटें होती हैं 2014 की, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी आंकड़ा आपके पास आ चुका है। कांग्रेस का आंकड़ा हमारे सामने है और इस बॉक्स के जरिए कांग्रेस का आंकड़ा, एनसीपी का आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए 72 से लेकर 90 सीटें, यानी कि एक बार फिर से फडणवीस सरकार हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से फडणवीस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस एनसीपी कोई बड़ा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आंकड़ा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 2014 की बात करें तो यहाँ पर बता दें एनसीपी कांग्रेस के दोनों आंकड़े 83 पर बैठते थे, लेकिन इस बार स्थिति बेहद अलग। महाराष्ट्र में एक बार फिर से जबरदस्त वापसी बीजेपी शिवसेना को फिर से मिल सकता है, पूर्ण बहुमत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है मीनाक्षी। और बिल्कुल यहाँ पर चित्रा ये जरूर कहना होगा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर भरोसा जताया जनता ने, यानी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को यहाँ पर जो सीटें मिल रही है 166 से 194। लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी को अकेले ही 109 से 124 सीटें मिल सकती है। हालांकि बहुमत की फिगर से ये आंकड़ा थोड़ा दूर है, यानी शिवसेना के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, शिवसेना के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल यहाँ पर होगी। दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और दोनों जो है वो बहुमत के आंकड़े से भी आके सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी देखिए शिवसेना के खाते में आ सकती है 57 से 70 सीटें 63 सीटों पर। 2014 में शिवसेना ने विजय हासिल की थी। कुल मिलाकर तस्वीर लगभग 2014 वाली ही है, यानी कि एक साथ आने पर भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बदला नहीं है, ना शिवसेना के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में। लेकिन एनडीए की जबरदस्त वापसी के आसार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को एक दूसरे के साथ की जरूरत पूरे 5 साल तक पड़ेगी, 166 से 194 सीटें मिलने के आसार बीजेपी प्लस को, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। 181 सीटें जो औसत है इसका बीजेपी शिवसेना का वो निकल रहा है। और अब जरा बॉक्स एक्सचेंज और देखिए चित्रा, 60,609 लोगों से राय ली गई है, उसके बाद ये एग्जिट पोल के आंकड़े आज तक जो है वो दर्शकों के सामने रख रहा है, जिसमें बीजेपी शिवसेना 166 से 194 और जो आप मेरे हाथ में बॉक्स देख रहे हैं 72 से 90 सीटें कांग्रेस एनसीपी को मिल रही है। ये लड़ाई एक तरह से देखिए चित्रा, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस वर्सेस शरद पवार जो एक बड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन बाजी यहाँ पर हमारे आंकड़ों के हिसाब से मारते हुए दिखाई दे रहे देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस एनसीपी पिछड़ गई है बहुमत हासिल करने से एग्जिट पोल के नतीजे। एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आंकड़े आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसने स्पष्ट कर दिया है देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे शिवसेना के साथ। और महत्वपूर्ण ये भी है 2014 में दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तस्वीर लेकिन वैसे ही 2019 में तब जब दोनों पार्टियां एक साथ है, बीजेपी बड़ा भाई बनकर ज्यादा सीटों के साथ निकलकर सामने आ रही है, जबकि शिवसेना यहां पर छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी के साथ लड़ी। लेकिन 2019 के लोकसभा में जैसी कामयाबी शिवसेना को मिली थी वैसी बड़ी कामयाबी कम से कम विधानसभा में मिलती हुई शिवसेना को दिखाई नहीं दे रही है। और मेरे हाथ में ये जो आंकड़ा महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं इसे साफ कर दिया है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से पुरजोर तरीके से सत्ता में वापसी करते हुए और बड़े भाई की अपनी भूमिका को कामयाब करती हुई यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिवसेना के बीते
53 सालों के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो पहली बार ऐसा है जब वो छोटे भाई की भूमिका को स्वीकार करते हुए बीजेपी को आगे रख रही है। और कम से कम आज जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी पूरी तरह से इसी ओर संकेत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है 2014 में विधानसभा के दौरान जो स्थिति थी, 2019 में भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, शिवसेना अलग लड़ी थी, 63 सीटें मिली थी। और इस बार दोनों ही पार्टियों को जोड़ दिया जाए, 2014 का आंकड़ा पड़ता है 185 का, लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना साथ साथ चुनाव लड़ी और इस बार दोनों का आंकड़ा 166 से 194 के बीच जाता है। और अगर औसत की हम बात करें तो ये सीटें आती हैं 181, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फडणवीस की एक बार फिर से जोरदार सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। 2014 का इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर थी उस लहर का असर 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उस पर नजर आया। लेकिन एक बार फिर 2019 में देखिए, प्रचंड बहुमत केंद्र में मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार को और असर महाराष्ट्र हरियाणा में क्या दिखाई देगा। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे महाराष्ट्र में लगभग यही इशारा कर रहे हैं।